आप प्रॉपर्टी ड्राइवर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं कुछ अरसे से पिछले देख रहा हूँ एक तवातर के साथ फेसबुक पे ख़ास तबका जो है 2017 में पानी के एक बहरान की निशानदेही कर रहा है, और मैंने असल में ये जो आपसे बात करूँगा अपनी तहकीक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। उन लोगों को मैंने रबता किया अक्सर को, ये जिनको मैंने इन्वेस्टिगेट किया ज़्यादातर उसमें वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के डीलर्स उसमें पाए गए हैं। देखिए 2017 के अंदर अगर ए ब्लॉक से लेकर जी ब्लॉक तक का मुझसे पूछते हैं तो इसमें ओवरऑल अगर 100 में से हम बात करते हैं तो लेस देन 10% में पानी का कोई बहुत इशू हुआ तो हो, 100% कोई इशू नहीं है। इसलिए ये बात तो बहुत ही ज़्यादती वाली है जिस तरह के सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बताया जा रहा है कि पानी का। हाँ, जिस तरह मैंने परसों दो दिन पहले पानी के मसले की जो निशानदेही की थी वो मसले की नहीं थी, असल में वो मैनेजमेंट की निशानदेही की थी कि हम चाहते हैं कि लोगों के जो मसले मसाइल जिनको मुस्तकिल बुनियाद पर अगर पानी के आ रहे हैं तो उसको थोड़ा तेज़ करें। मैं मल्टी इंतज़ामिया से भी इंशाल्लाह रब्ता करता हूँ और आने वाले दिनों में जी उनके साथ जो यहाँ साइट इंचार्ज हैं उनके साथ गपशप लगाते हैं जी, उनके साथ चाय शाय पीते हैं और उनका इंटरव्यू मैं रिकॉर्ड करता हूँ जिसमें ये तमाम सवाल जो आप उनसे पूछेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक सोसाइटी ने काफ़ी लिस्ट बना ली हैं जिनमें जहाँ पे चंद गलियों में जो कि मुस्तकिल अगर पानी का कोई मसला है तो उनको बाकायदगी से जी टाइम पे पानी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। तो ये अगर अब लोग कह रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर पानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ है जी, और झूठ जो है ना वो उसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप सोसाइटी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप करें लेकिन नेगेटिव तरीके से ना करें। अगर हाँ कोई मसले मसाइल है तो उसको देख लें, आपको लगता है कि इससे सोसाइटी का नाम गिराया जा सकता तो होगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो 100 में से शायद 10% से भी कम जगह पे कोई पानी के मसले मसाइल होंगे। ये नहीं कि उधर पानी नहीं होता, ये भी मैं बता दूं। देखिए मैंने ये ए से लेके मैंने तमाम ब्लॉक्स में अभी जी की तामीरा शुरू होंगी तो उधर इतना हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कोई मसला होगा, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने सर्वे किया हुआ है क्योंकि इस सारी जगहों के इस ब्लॉक्स के सारे, तो वहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे बेहतर समझ आई है वो ये कि पानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डेड है, ज़ीरो पानी, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। पानी आता है उधर, बोर में पानी आता है 24 घंटे के बाद, जो आधा घंटा मोटर चलती है। तो आप लोग ये भी समझ लें कि जिनके जो पानी के मसले हैं वो इस तरह शॉर्टेज के मसले हैं, डेड नहीं है बिल्कुल बोर, तो उन लोगों को हम 10% काउंट करेंगे। तो ये मैं इस टाइम पर इसलिए बता रहा हूँ कि तवातर के साथ जी फेसबुक पर आप देखें डिफरेंट पेजेस के ऊपर ये चीज़ बार बार बताई जा रही है जी। एक बंदा पोस्ट करके उसके दो तीन और बंदे होते हैं जो कहते हैं हाँ जी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये है वो, और मैं तकरीबन डेली बेसिस पे जी उसकी तरदीद करता हूँ कि नहीं भाई इधर पानी का इस तरह ऐसा मसला नहीं है। अपनी आईडी से भी मैं लगा होता हूँ कि भाई वो ख्याल करें, गलत बात करें। तो इस चीज़ को आपने जी थोड़ा दानिशमंदी से आप देखें, अक्लमंदी से हमने देखना है। हाँ, वाटर सप्लाई वगैरह और ये जो दो चार चीज़ें इंशाल्लाह मैं साइट ऑफिस से टाइम ले लेता हूँ किसी दिन, गपशप लगाते हैं जी उनके, एक इंटरव्यू कर लेते हैं, इसमें सारे सवाल और उनके इकदाम के बारे में पूछेंगे वो करके आ रहे हैं एग्जैक्टली। तो ताकि और अगर आपका कोई यकीनन अगर आप लोगों के कोई सवाल जवाब है मल्टी मैनेजमेंट से, आपके कोई भी आप समझते हैं कि इंतज़ामिया से पूछना चाहिए तो आप कमेंट में लिखते हैं जी, मैं उसको अपने सवालों का हिस्सा बना लूँगा। और एक दो दिन तक मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं जी इनको कॉल करके और टाइम देता हूँ और एक वीडियो लगाते हैं जी, बनाते हैं और फेसबुक पे और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब होंगे। तो पानी का अगेन मैं बता रहा हूँ इस तरह ऐसा जिस तरह नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा जो है गलत चीज़ है। तो बहुत शुक्रिया ना, अस्सलाम वालेकुम।